हेलो गाइस, कैसे हम सभी। तो जी आज मैं दिखाता हूँ आपको हमारी कनक की कटाई का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। और ये देखें जी, अभी आपको दिखाता हूँ कि मशीन कैसे काटती है। तो पहले तो थोड़ा कुछ जैसा हम करते हैं मीठा वगैरह लगा लेते हैं। तो ये जी हम अभी तो शुगर ही है तो ये लगा लेते हैं। ये देखें जी, तो ये देखें कण की कटाई का काम स्टार्ट। ये देखें इसमें है थोड़ा सा वेस्ट होता है लेकिन मशीनी युग है तो हाईटेक ज़माना है। तो अभी तो वैसे लेबर जो है वो कम ही मिलती है तो ऐसे ही चलता है काम। तो देखूँगी कनक की कटाई, तो अभी मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ। देखो जी नज़ारे अब कटाई के मशीन से कितनी जल्दी कटाई होती है जी। आपने भी देखी होगी ऐसी कटिंग कनक की। तो ये है कि मशीन से काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, टाइम कम लगता है। और जैसा आजकल चल रहा है लेबर बड़ी कम मिलती है तो इससे आसानी हो जाती है कटाई की। एक चीज़ है कि ये काटता उल्टा है, उल्टी चलती है मशीन पीछे। और ये देखें जी देखें जी, ये है शाम का नज़ारा। और ये कटाई जैसे मशीन मैंने बताया आपको चल रही है। तो खैर अभी तो यहाँ थोड़ी ही जगह है तो 15-20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट में ये काम तमाम हो जाएगा यहाँ का। और उसके बाद चलेंगे हम नीचे, तो वो जो नीचे वाली फील्ड दिख रही है फिर वहाँ कटाई करेंगे। तो पहले जब ये नया नया ये काम चला मशीनी, तो अब तो यूज़ टू हो गया है। तब तो उस समय क्या होता था कि जैसे ही ये मशीन को लगती थी तो लोगों का रश पड़ जाता था देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है। तो मज़ा आता है, वैसे इंसान देखता रहता है कि नहीं क्या हो रहा है। तो मैं अब दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ जो कटाई हो रही है, तो मज़ा आता है। वैसे ये है कि अगर इंसान खुद लगे, टाइम काफ़ी लगता है और आजकल टाइम भी कम मिलता है अगर खुद करना हो तो। वो लेबर का जहाँ तक है सवाल, तो लेबर कहाँ मिलती है आजकल, बड़ी दिक्कत है। और मेहनत करनी पड़ती है उनके, फिर जाके कहीं काम चलता है। तो चलो ये जो ट्रैक्टर हैं मशीन वाले कटाई वाले, ये भी कहाँ आजकल बिज़ी रहते हैं लेकिन फिर भी चलो नियर बाई हैं हमारे। तो उनको बोला कि इनको भी 2-3 बार बोलना पड़ा फिर जाके कहेंगे। और ये देखें जी चल रहा है कटाई का काम।
थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़े टाइम में ये हो जाएगा साफ। तो कैसे लगी आपको कटाई? तो अगर आपकी भी फील्ड है इसकी वीट की कर्न की आपने लगाई है तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि हमारे पास भी है और आपकी कटाई हो गई या अभी पेंडिंग है वो बता देना। अगर हो गई है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई है तो अभी क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है, सूर्य देवता अपना जो दम है वो दिखा रहे हैं। अगर आपकी कटाई हो गई कणक की तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ जी हमारी कटाई हो गई है, तो अगर नहीं हुई है तो वो भी कमेंट करके बता देना। ये देखें जी, और वैसे एक बात है कि शाम का नज़ारा जो है ना वो अलग ही है। अभी सूर्य देवता जो अस्त हो गए हैं लेकिन फिर भी अभी रोशनी जो है वो है, रोशनी अभी है। तो देखें जी, अब यहाँ से कोना थोड़ा रह गया है, यहाँ से जो है ये रह गया है, तो मज़ा बड़ा आता है वैसे देखने में। तो इसी के साथ हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि इसकी प्रोसेसिंग जो है थोड़ी टफ होती है। अब जैसे ये कटाई हो गई है, इसके बाद एक मशीन होती है, थ्रेशर बोलते हैं उसको, बड़ी मशीन है, कंबाइन भी बोलते हैं, कंबाइन या कंपेन ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो इसका ये है वेस्ट है, तूड़ी है, ये अलग हो, ये नीचे वेस्ट हो जाती है और जो दाने हैं वो यहाँ पे वो उसका ही कंटेनर होता है, वो साथ साथ वो ले लेता है। लेकिन जो ये प्रोसेस है इसमें है कि जिन्होंने गाय वगैरह रखी हैं तो उनको तो चाहिए होता है भूसा वगैरह, तो हमें भी चाहिए। तो हम ये कटाई करके फिर एक मशीन होती है थ्रेशर उसको बोलते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा जब वो हम निकालेंगे। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि वो ऐसा सिस्टम होता है कि धूल जब पड़ती है तो वो खारिश लगना स्टार्ट हो जाती है, इचिंग बड़ी होती है उसमें। तो चलो खैर क्या, क्योंकि साल में एक ही बार ये होता है, फसल जो है संभालनी होती है तो उतना तो करना ही पड़ता है। अब देखें नज़ारा वहाँ से कैसे कटाई हो रही है, अब बिल्कुल सीक्वेंस में पड़ रही है। अब कुछ भाई ऐसे होंगे जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो कुछ होंगे जिनने कटवाई करवाई भी होगी ये। तो जो भाई मेरे सिटी में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए तो फर्स्ट टाइम होगा। तो चलो आपके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट, आपको कहाँ मौका मिल गया ये देखने के लिए, तो आप ये देखें मेरी ओर से आपको ये तोहफा, किस चीज़ का, ये कटाई दिखाने का कि कटाई कैसे होती है। तो ये अन्न है, अन्न देवता। तो टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने लग जाते हैं इसको तैयार होने में। तो गर्मियों के सीज़न में ये पकती है, फिर कटाई होती है, फिर इसके बाद जब जो दाने होते हैं जिनको वीट हम वो कहते हैं, वो जब उनको फिर संभालना पड़ता है, रखना पड़ता है स्टॉक करके, तो उसका फिर जब तैयार होता है फिर हम उसको चक्की पे ले जाते हैं। गाँव में तो पहले ग्राट होते थे, तो यहाँ पे तो मशीनी युग है, वहाँ पे चक्की होती है, चक्की में फिर हम आटा पिसवाते हैं, आटा पिसवा के तो फिर हम उसके मर्ज़ी, डिपेंड करता है आपके आपके ऊपर कि आप उसकी परौंठी खाएं, पूड़ी खाएं या चपाती खाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, घी लगा के खाएं या बिना घी लगा के खाएं। तो ओरिजिन जो उसका परौंठे का फुलके का वो यही है, प्रोसेस यही है। देखो कितना टफ सिस्टम होता है। हम जो भी लोग सिटी में है ना, वो जाते हैं जाके मार्केट से तो आटे की गुत्थी ले आते हैं, तो लेकिन ये गांव का हिसाब है, तो ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो ये सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद जाके फिर लेटर स्टेज में जाके फिर हम जो कनक है उसका आटा निकलवाते हैं और फिर उसकी चपाती बनाते हैं, उसके परौंठे बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं उसकी, फिर वो हम खाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक बार दोबारा आप देख लें, मोस्टली हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, जब ही हो जाएगी उसके बाद फिर वो नीचे जाएंगे। तो गुड बाय, सी यू अगेन। हाँ कब, जब
निकलवाएंगे, जो थ्रेशर है थ्रेशर से जब निकलवाएंगे कनक जो है वो अलग होगी और भूसा जो है वो अलग होगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको जब वो, अगर मैं घर में हुआ तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।